हेलो गाइस, तो कैसे हो? आई होप के बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने अकाउंट के अंदर स्टार मोनेटाइजेशन को आप सेटअप कर सकते हैं, और उसके साथ अगर आपको स्टार मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिला है तो किस प्रकार से मिलेगा। आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको मिल चुका है, उसके बाद से आपका जो स्टार मोनेटाइजेशन वो डिसेबल हो चुका है, तो आप किस प्रकार से आप उस डिसेबल स्टार मोनेटाइजेशन को आप फिर से ऑन कर सकते हो, आज के इस वीडियो के अंदर आपको एकदम लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से आप फेसबुक स्टार मोनेटाइजेशन को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ पर फेसबुक स्टार मोनेटाइजेशन वो फीचर चाहिए वो मिल चुका है। ठीक है, तो आप किस प्रकार से, मुझे पहले इसके अंदर हट चुका था लेकिन अब मेरे मुझे वापस इसके अंदर मिल चुका है, आप किस प्रकार से ले सकते हो वो भी मैं वीडियो के अंदर बताऊँगा। और दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ, वो सेटिंग आप करते हो तो आपको 100% स्टार मोनेटाइजेशन सेटअप कर सकते हो, उसके साथ मिल भी सकते हैं आपको। तो इसके लिए सिंपल से आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से फेसबुक सर्च कर लेना। ठीक है, फेसबुक जैसे यहाँ से सर्च करते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने कल ही अपडेट किया था लेकिन ये फिर से इसके अंदर अपडेट आ चुका है, तो कोई बात नहीं, इसको फिर से आपको अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आने के बाद दोस्तों फिर से आपको जो फेसबुक एप्लीकेशन है इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ से प्रोफाइल पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको प्रोफाइल पर ऐसे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पर जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं दोस्तों, सिंपल से आपको अपने जो प्रोफाइल है सिंपल से इस पर ऐसे क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको एक सेटिंग करना होगा, उसके बाद ही आपको जो प्रोफाइल आपको स्टार सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ से थ्री लाइन पर क्लिक कर लेना है। थ्री लाइन पर जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ टर्न प्रोफेशनल मोड, यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर टर्न ऑन होगा। ठीक है, तो मेरा इसके अंदर ऑफ करने का है क्योंकि मैंने दोस्तों पहले से इस ऑप्शन को ऑन करके रखा है, इसलिए मुझे ये ऑफ करने के लिए बोला है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ से आपको इसको ऑन कर देना। ठीक है, ऑन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ से रिफ्रेश करना है एक बार। ठीक है, जो रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों आपको क्या होगा, जो प्रोफाइल है आपका, जो प्रोफाइल है वो पेज के अंदर बन जाएगा। ठीक है, जो देख सकते हो आपको पेज के अंदर डिजिटल क्रिएटर मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका जो प्रोफाइल है मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल से आपको सी डैशबोर्ड पर ऐसे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, फिर आपको कुछ इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, दोस्तों देख सकते हो आपके सामने। तो दोस्तों, इसके अंदर यहाँ से मुझे स्टार जो ऑप्शन है इसको सेटअप करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि आपके सामने देख सकते हो। तो इसको आप सेटअप किस प्रकार से कर सकते हो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना, नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, जो टूल्स के अंदर मोनेटाइजेशन है। ठीक है, सिंपल सा इस पर ऐसे क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ऐसे क्लिक करते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल से आपको सेटअप पर क्लिक कर लेना। ठीक है, सेटअप पर जैसे ऐसे क्लिक करते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेक्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ से स्टार मोनेटाइजेशन जो सेटअप करने का ऑप्शन मिल चुका है। दोस्तों, आपको किस प्रकार से इस बार सेटअप करना होगा दोस्तों, इसके लिए सिंपल सा गेट स्टार्ट पर ऐसे क्लिक कर लेना है। गेट स्टार पर जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर यहाँ से इंडिविजुअल आपको एक अकाउंट, मतलब कि पे आउट अकाउंट बनाना होगा। तो मैंने पहले से इसके पे आउट अकाउंट को बनाया हुआ है, तो इसको यहाँ से आपको ऐड करना होगा। ठीक है, पे आउट अकाउंट को अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हैं, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। फिर यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसके अंदर वेट करेंगे, और दोस्तों जो आपका स्टार मोनेटाइजेशन है वो यहाँ से देख सकते हो आपके सामने, जो इसके अंदर सेटअप हो चुका है, देख सकते हो। डन पर क्लिक कर लेना है। डन पर जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, जो आपका स्टार मोनेटाइजेशन है कुछ इस प्रकार से सेटअप हो जाएगा, और आप स्टार मोनेटाइजेशन से काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर, अगर आप रील्स वीडियो वायरल होता है तो अच्छा खासा इसके अंदर अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ से फाइनली मेरा जो स्टार मोनेटाइजेशन, जैसे मोनेटाइजेशन पर से क्लिक करता हूँ तो मेरा इसके अंदर सेटअप हो चुका है। सिंपल सा इस पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आपको सामने इस प्रकार से इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बैक आ जाते हैं। दोस्तों, बैक आने के बाद दोस्तों, जो मेरा स्टार मोनेटाइजेशन है इसके अंदर सेटअप हो चुका है, आप भी इस प्रकार से सेटअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये स्टार मोनेटाइजेशन नहीं मिला है तो आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, इसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने तक काम करना पड़ेगा। इसके अंदर आपका जो अकाउंट है उसका रेंज कम से कम 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख से अगर प्लस में चला जाता है तो आपका जो अकाउंट के अंदर है वो स्टार मोनेटाइजेशन वो मिल सकता है आपको भी। ठीक है दोस्तों, आपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड को आपने पहले से ऑन किया, उसके बाद स्टार मोनेटाइजेशन को सेटअप किया, उसके बाद फिर से आपको प्रोफेशनल मोड को आप बंद किया है, तो आपका जो स्टार मोनेटाइजेशन है वो इसके अंदर से डिसेबल हो जाएगा, और उसके अंदर आपको लेने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो स्टार मोनेटाइजेशन सेटअप का ऑप्शन आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फेसबुक से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।